सावधान हो जाएं, कड़कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आप जब भी बाहर निकले तो ठंड वाले कपड़े पहन के ही निकले, नहीं तो आपको ठंड लग सकती है। आज का टॉपिक भी बहुत ठंडा है। BHU PG के बहुत सारे कोर्सेज में कितनी सीटें हैं और उन सीटों में आपको पढ़ाई करने के लिए BHU को कितना पैसा देना पड़ेगा, ये तमाम चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और हाँ, जैसा मैं आपको बताया कि आप इस वीडियो में ठंड बनाए रखें। BHU PG सीट्स एंड फी। ओके, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि BHU के जो कोर्सेज हैं वो कहाँ कहाँ प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप सभी लोग जब भी BHU का नाम सुनते हैं तो आपके सामने एक इमेज बनते हैं और वो है वो सिंह द्वार का, जो सिम्बलाइज करता है कि BHU का ये गेट है और इसके अंदर बहुत सारा सपनों की दुनिया बसी हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि BHU बस उस गेट तक ही सीमित नहीं है। BHU मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में भी फैला हुआ है और बनारस के लगभग 10 किलोमीटर दायरे में अपने 5 से 6 एफिलेटेड कॉलेजेस के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें BHU जानते ही होंगे, जिसको हम लोग FMC DMC जो चाहे वो बोल सकते हैं। अब उसके बाद स्टार्ट होता है, ये हम लोग कंफर्म कर दिए। सेकंड पे आते हैं महिला महाविद्यालय। महिला महाविद्यालय कहने का मतलब ये है जहां पे बस खूबसूरत लड़कियां पढ़ती हैं और यहाँ पे जो भी कन्याएं पढ़ना चाहती हैं वो भी BHU में एडमिशन के दरमियान अपने प्रेफरेंस में MM भी टिक करके एडमिशन ले सकती हैं। थर्ड है राजीव गांधी साउथ कैंपस बरकच्छा मिर्जापुर, जो मैं आपको बताया कि इसको हम लोग बोलते हैं BHU का साउथ कैंपस। आप लोग जब भी BHU का नाम सुनते हो सोचते हो BHU बहुत बड़ा है ना, आपको बता दूं कि RDSC इससे भी बड़ा है। BHU ने वहां पे बहुत बड़ा एरिया कब्जा करके रखा हुआ है अपने इस BHU कैंपस को बड़ा करने के लिए। अब इनके जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वो आपका एक है आर महिला PG कॉलेज, ओनली फॉर फीमेल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली फॉर फीमेल। ठीक है, फिर DAV पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, ठीक है, ये आपका है यहाँ पे गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ते हैं, को एजुकेशन है। फिर यहाँ पे एक है, इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं VCW, एक को बोलते हैं VKM। ठीक है, इन दोनों में से एक VKM है एक VCW है, आप लोग पढ़ के अंदाजा लगा लो, और ये दोनों ही गर्ल्स के लिए है। ठीक है, तो ये कॉलेजेस का इंट्रोडक्शन में करा दिया। अब हम लोग सीधे आ जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला, मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं MA अरेबिक, अल्फाबेटिकल वाइज है अरेबिक में। ठीक है, ये डिपार्टमेंट आप अरेबिक में चलता है, इसमें जो टोटल सीट है वो 22 है। मैं इसको येलो कर लेता हूं जिससे आपको इजिली विजिबल है। ठीक है, और यहाँ पे जो रेगुलर फी है वो 2582 रुपए है और पेड सीट के लिए आपको 1000 रुपए देना, 10000 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, MA इंग्लिश जो है सबसे पहले कहाँ कहाँ अवेलेबल है ये देखो आप, डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस यानी DMC में भी इंग्लिश अवेलेबल है, BCW में भी, VKM में भी, DMPG में भी और AMPG में भी। ऑलमोस्ट हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 जगहों पे अवेलेबल है। और जो DMC है वहां पे 96 सीट है, 37। और ये जो सीटें हैं ये रेगुलर सीटें हैं, अभी इसमें सुपर न्यूमरी सीट बाकी है, पेड सीट बाकी है, समझ गए कि नहीं। और इनके लिए जो फीस तय की गई है, यानी जो BHU के अंदर पढ़ने आ रहे हो बड़े वाले गेट के अंदर, उसके लिए 2522 रुपए। लेकिन हम लोग आगे VCW देखेंगे तो 12200 रुपए, 10600 रुपए, 6760 रुपए, 12800 रुपए। और ठीक है, तो ये अलग अलग कॉलेजेस की फीस है, ये रेगुलर फी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलर फी है। और ये 10000 रुपए हम लोग का पेड सीट होता है। ठीक है, ये पेड सीट होता है, ध्यान देना, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि पेड पेमेंट जो होता है वो क्या होता है। उसके बाद MA फ्रेंच, अगर आप लोग फॉरेन लैंग्वेज फ्रेंच करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, तो ये ओनली DMC में ही अवेलेबल है, ध्यान देना। ठीक है, ओनली डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस में अवेलेबल है, 22 सीटें हैं यहाँ पे और लगभग 2582 रुपए यहाँ लगना है, और पेड सीट पे एडमिशन होता है तो आपका लगना है 10000 रुपए। MA जर्मन, आपको अगर फॉरेन जर्मन लैंग्वेज से करना है तो डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस में ही अवेलेबल है जर्मन स्टडीज के लिए, 22 सीटें यहाँ अवेलेबल है और 2582 रुपए लगना है और 10000 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा पेड सीट लेते हो तो। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग से मैं यहाँ पे बता दूं कि जो कोर्स का एडमिशन होता है वो किस बेसिस पे होता है। ठीक है, जैसे आप लोग जब एडमिशन लेते हो, आपका जब भी एडमिशन होता है तो एडमिशन के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके होते हैं। एक तो आप रेगुलर सीट पे जाते हो, ठीक है, एक तो रेगुलर पे जाते हो, सेकंड आप जाते हो पेड सीट पे, ठीक है, और इन दोनों से परे एक होता है हमारे पास यहाँ पे स्पेशल कोर्स के लिए। ठीक है, ये
स्पेशल जो कोर्स होता है, स्पेशल कोर्स की जो फी होती है वो भी स्पेशल फी कहलाती है, ठीक है, ये भी स्पेशल फी कहलाती है। तो यहाँ पे तीन तरीका हो गया एडमिशन का, रेगुलर, पेड और स्पेशल फी। जब भी मैं आपको पेड सीट बोलूं तो इसका मतलब ये रेगुलर वाला हमेशा ऐड होगा इस पेड में, अगर मैं आपको स्पेशल फी बोलूं तो ये रेगुलर वाला ऐड होकर टोटल फी बनेगा। आगे आपको मैं समझाता हूं, ठीक है। अब हम लोग आगे एमए नेपाली, एमए नेपाली में जो सीट है वो 54 है, फी है 2582, पेड सीट का 10,000 रुपए। अभी पेड सीट छोड़ देते हैं हम लोग। पर्सियन में 82 सीट है 2582 रुपए, ठीक है, 22 सीट है ना, 22 ध्यान देना, 82 नहीं 22। बंगाली 96 सीट है 2582 रुपए लगेगा, और ये आपका बंगाली जो है वो एएमपीजी में भी अवेलेबल है 36 सीट के साथ, 12,800 रुपए लगेगा अगर आप एएमपीजी में एडमिशन लेते हो तब। एमए हिंदी जो है वो डीएमसी में भी अवेलेबल है, डीएबी में भी है, एएमपीजी, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, यानी यहाँ पे 5 कॉलेज में अवेलेबल है, और मेन कैंपस में ये 193 सीट है, 193 ऑलमोस्ट पेड सीट मिलाने के बाद 200 क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 37 37 37 37, इसकी जो फी है वो डीएमसी में यानी बड़े वाले गेट के अंदर 2582 रुपए, 6,760 रुपए, 12,800 रुपए, 12,200 रुपए, 10,600 रुपए, इस तरीके से लगना है। मराठी की बात कर ले तो 42 सीटें हैं, 2,522 रुपए लगना है। तेलुगु की बात कर ले तो 42 सीटें हैं, 2,582 रुपए लगना है। उर्दू की बात कर ले तो वीसीडब्ल्यू में अवेलेबल है और डीएमसी में अवेलेबल है, 64 सीट है और मैक्सिमम 37 सीट है वीसीडब्ल्यू में। और यहाँ पे आपकी जो फीस लगनी है वो लगनी है 12,200 रुपए, ठीक है। पाली के लिए ये बस आपके पास कहाँ अवेलेबल है, डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस में अवेलेबल है, 44 सीटें हैं, 2,582 रुपए लगना है। और एमए संस्कृत जो है ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 जगहों पे अवेलेबल है, ठीक है, मेन कैंपस में भी, एएमपीजी, डीएबी, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू में भी अवेलेबल है। 96 सीटें, 37 यानी कि सीटें बहुत अच्छी खासी हैं। और जो फीस लगनी है वो देखो 2,582, 12,800, 6,760 और 10,600 रुपए, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक क्लास में वीसीडब्ल्यू जो है 12,200 रुपए लेगा आपके एमए संस्कृत के लिए। एआईएससी के बीच में लैंग्विस्टिक है, देखो लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक में चलता है, यानी डीएमसी में चलता है, 54 सीटें हैं यहाँ पे, और जो फी है 2,582 रुपए लगना है, ठीक है। एमए एआईएससी, ठीक है, ये आपका देखो कई जगहों पे चलता है, एएमपीजी, डीएबी, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम और डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस में चलता है ये। 96 सीटें आपके मेन कैंपस में है, 37 37 37 37 सीटें यहाँ पे है, 2,582 रुपए, बाकी वही जो इन लोग का एल्गोरिथम फॉलो हो रहा है, बाकी में 6,700, 12,800, 12,200, 10,600 रुपए, ठीक है। और लास्ट में एआईएससी यहाँ पे एक और है, ठीक है, जो कि ऑनर्स बीए करके आते हैं, ध्यान देना उनके लिए है, और 2,582 रुपए। अब यहाँ पे देखो सबकी पेड सीट 10,000 रुपए रखी गई, यानी जब आपका एडमिशन होगा उस समय पे अगर आपके पास रेगुलर लिख के आएगा तो आप ये पेमेंट करोगे ये वाला, लेकिन अगर आपके यहाँ लिखा हुआ रेगुलर प्लस पेड, एडमिशन टाइम लिखा हुआ है एडमिट कार्ड पे रेगुलर प्लस पेड, तब तो आप इस वाले दोनों पेमेंट को ऐड करके देने वाले हो, ठीक है, यानी ये 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसके साथ कोई मुझसे बोल रहा था कि रेगुलर का 10 गुना, भाई आदमी बर्बाद हो जाएगा 10 गुना पे करने में, 10 गुना नहीं, जो फी है उससे 10,000 ज्यादा, ठीक है। ये 2 साल का कोर्स है तो 2 बार देना पड़ेगा, ठीक है, सेमेस्टर वाइज नहीं लिया जाता, एनुअली लिया जाता है, ये समझ गए कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ा है यार ये वीडियो। एमए हिस्ट्री ऑफ आर्ट, ठीक है, ये 54 सीटें हैं, 2,500 वही वाला सिस्टम है। यहाँ पे फिलोसफी ध्यान देना कि 96 और आईपीआर भी है, तो 96 आईपीआर का भी रहेगा, या दोनों मिला के साथ एडमिशन लेते हैं। हाँ, आईपीआर का देखो अलग है, यहाँ पे सीट देखो मेंशन नहीं है, एक्चुअली ना ये फिक्स नहीं रहता है, ये घटता बढ़ता रहता है, और इनकी जो फी है वो वही है 2,582 रुपए, ठीक है। फिलोसफी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अच्छा ये दोनों आईपीआर का था, हाँ देखो ये आईपीआर की सीटें थी, ध्यान देना ये आईपीआर की सीटें दोनों मिला के 96 होती हैं, और ये एमए फिलोसफी जिसमें आप इंडियन वेस्टर्न दोनों पढ़ोगे, और यहाँ पे 96, 37, 37, 37 और 37, ये देख रहे हो यहाँ पे सब में अवेलेबल है फिलोसफी, समझ में आ गया कि नहीं। और जो इनकी फी है 2,582 रुपए, 12,800, 6,700, 10,600, 12,200, ठीक है। यहाँ पे फिर आईपीआर का ही है क्या, अच्छा एमए फिलोसफी, नॉन फिलोसफी ग्रेजुएट, यानी जो लोग बिना फिलोसफी किए आ रहे हैं, जैसे होता क्या है उसी तरीके से यहाँ पे भी करेक्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। ये है बीए ऑनर्स वालों ने, सही है ये वाला, तो ये सही है। एक्चुअली यहाँ पे आप समझेंगे नहीं, जैसे यहाँ पे बीएचयू में
ऑनर्स वाले ही मास्टर्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहां पे मेंशन रहता है स्टार लगा के, भाई आप फिलोसफी नहीं भी करके आ रहे हो तो भी आप फिलोसफी कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉन फिलोसफी पर ग्रेजुएट वालों के लिए जो है वो भी 40 सीटें देखो यहाँ पर रखी गई, इसी में इंक्लूडेड ही है, ठीक है, ये तो हिंदू स्टडीज का है, 2582 रुपए है। अब हिंदू स्टडीज की जो अभी 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 इंप्लीमेंट हुआ है, तीसरा बैच आने वाला है, 40 सीटें हैं, फी उतना ही लगना है, 2582 रुपए। बाकी यहाँ पे बहुत सारे सुपर न्यूमेरी सीट के बारे में डिस्कशन किया गया है, मैं ऑलरेडी बातों बातों में आपको डिस्कस करता चलूंगा, ठीक है, आप पढ़ भी सकते हो अपने से। एम ए इन मास कम्युनिकेशन जो सीट है 47 है, फी है वही 2582 रुपए, ठीक है। और ये जो ये देखो यहाँ पे, अब देखो पेड सीट का पेमेंट बढ़ गया, यहाँ पे 20,000 हो गया, मैं बोला ना कि 10,000 ही लगता है, लेकिन कहीं कहीं देखो इसका बढ़ जाता है। अगर मास कम्युनिकेशन में आप अगर एडमिशन लेते हो और पेड सीट आपका होता है एडमिशन, तो 20,000 देना पड़ेगा, ना कि 10,000 देना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे एम ए म्यूजियोलॉजी है, ओके, 12 सीटें हैं, 2582 और 10,000 पेड सीट का लगेगा आपको। यहाँ पे प्रयोजन मूलक ये हिंदी डिपार्टमेंट में चलता है, इसकी जो सीटें हैं 12 हैं, ध्यान देना, और 2582 सीटें हैं। और यहाँ पे फिर एमली आप लोग जानते हो कि मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस जो है उसकी जो सीटें हैं 47 है और 3382 रुपए लगना है और 20,000 रुपए पेड सीट का लगना है, ठीक है। यहाँ पे और भी जो कोर्सेज हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सियन में चलता है इसमें, हाँ पर्सियन में चलता है, ठीक है, और इसकी 20 सीटें हैं, 2757 रुपए लगना है। फिर बीपीएड वगैरह का है, दोनों बीपीएड का ये ध्यान देना, एक बीपीएड है एक एमपीएड है, और 62 सीटें हैं, 49 सीटें हैं, 2282 रुपए लगना है, 2932 रुपए लगना है, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जो कट सीट है उसमें गर्ल्स का रिजर्वेशन रहेगा, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा तो आप कंफ्यूज जाओगे, इसलिए ऊपर ऊपर डिस्कस करते चल रहा हूँ, ठीक है। मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट का ध्यान देना, एमटीटीएम की बात की जा रही है, जो सीट है वो 40 है, 49 है, ठीक है, आरजीएससी में भी चलता है, तो आरजीएससी में समझ रहे हो मिर्जापुर वाला, वहां पे 49 है, पेमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे 60,000, 60,000, ये 30,000 ये आपके लिए पेड होगा, क्योंकि ये स्पेशल कोर्स में आता है, देखो, ठीक है, यहाँ पे आपकी फीस बस इतनी ही नहीं रह जाएगी, मैं बता रहा था कि जो लोग स्पेशल कोर्स लेंगे उनके लिए ये रेगुलर फी तो देना ही पड़ेगा, प्लस ये भी देना पड़ेगा, वट एवर आप पेड पे जा रहे हो नहीं जा रहे हो आपको पेमेंट ये वाला देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मास्टर्स इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ये मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट मेरे डिपार्टमेंट में ही चलता है ये, और यहाँ 25 सीटें टोटल होती है, ये 2882 रुपए देना पड़ेगा, और उसके बाद भी ये 30,000 रुपए आपको देना पड़ेगा, समझे कि नहीं, समझ गए ना, मतलब स्पेशल कोर्स के जो पैसे होते हैं वो आपको देने पड़ेंगे, ये स्पेशल कोर्स के कोर्सेज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज आ गया, जो कि डीडीयू कौशल केंद्र के जो फंडिंग होती है उस बेसिस पे चलता है, ठीक है। मास्टर ऑफ वोकेशनल रिटेल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का है, 62 सीटें हैं। अब देखो यहाँ पे रेगुलर फी है, फिर 5,000 आपका यहाँ पे कुछ स्टार लगा के लिखा हुआ है, वन टाइम पेमेंट होता है 5,000 रुपए, एक तरह से प्रैक्टिकल समझ लो इसको, वहां पे कुछ लिखा हुआ था ध्यान नहीं आ रहा है, तो ये फी देखो के बाद भी ये भी लगेगा, क्योंकि स्पेशल कोर्स में आता है, ठीक है। अच्छा ये पेड सीट का है, नहीं पेड सीट वाला पर सेमेस्टर है, ये देना पड़ेगा, देखो ये देना पड़ेगा, ये पर सेमेस्टर है, देना पड़ेगा पर सेमेस्टर है, देना पड़ेगा पर सेमेस्टर है, देना पड़ेगा पर सेमेस्टर देना पड़ेगा, यानी ये इतनी फी, फिर ये फी भी देनी पड़ेगी। जो सीटें हैं ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, 62 62 62 62। पता क्या होता है, बच्चे जनरली लेते नहीं है, फी बहुत ज्यादा होता है, जो बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड होता है, इसी से यूजी किया होता है, वही इन सब सीट कोर्सेज में जाता है, क्योंकि इतना पैसा देके क्यों ही कोई आएगा, कोई आएगा तो प्लेसमेंट के भी उम्मीदें रखेगा, प्लेसमेंट यहाँ मिलने वाला नहीं है, आपको खुद से अरेंज करना पड़ेगा, ध्यान दो। कुछ में हो भी जाता है, कभी कभी 20-30 हज़ार रुपये महीने का जॉब लगी भी है, 2.5-3-4 लाख 5 लाख का लग भी जाता है, बट रेयर में ही लगता है, ठीक है। अब फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में सबसे पता ही है यहाँ पे क्या कोर्स चल रहा होगा, तो यहाँ पे मास्टर इन कॉमर्स यानी एम कॉम चल रहा है, 193, भाई देखो इतनी ज्यादा सीटें इसलिए कट ऑफ डाउन जाता है, ठीक है। और ये आपके पास देखो डीएवी में भी अवेलेबल है, एएमपीजी में भी अवेलेबल है, ठीक है, 40 40, ओके। और जो फीस है वो देखो यहाँ पे ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्पेशल अगर स्पेशल कोर्स में आएगा तो ऐड होगा, नहीं तो नहीं आएगा। बाकी ये जो रेगुलर फी होगा यही पे करना पड़ेगा, बाकी पेड सीट पे रहोगे तो पेड सीट का पे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे फी आपके पास यही वाली रहेगी। मत सोच लेना कि एमकॉम के लिए आपको इतना पैसा देना है, एमकॉम के लिए आपके पास यही पैसा देना है, बाकी जिनका पेड पे एडमिशन होगा वो पेड का 10,000 एक्स्ट्रा पेमेंट देगा, ठीक है, 10,000 या इसमें से जो पेमेंट लगेगा वो देना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या है, स्पेशल कोर्स स्टडीज, देखो यहाँ से फिर से स्पेशल कोर्स स्टडीज आ गया। अब स्पेशल कोर्स स्टडी मतलब क्या है, आपके पास उसकी फी देनी ही पड़ेगी, जैसे कि
अब मान लो एमबीए है, ठीक है, हम सभी एमबीए को एक साथ ले लिए, यहाँ पे 40 40 और 59 सीटें हैं, तो ये 2757 2757 2757 देना ही पड़ेगा, और उसके बाद ये स्पेशल कोर्स की, देखो यहाँ पे पर एनम देना पड़ेगा 50,000 50,000 50,000 स्पेशल कोर्स की फी है, ये आपको देना पड़ेगा, समझे कि नहीं मैं क्या बोला, ये कोर्स के पैसे देने पड़ेंगे आपको, यानी ये आपस इफ बट वाला कंडीशन नहीं है, रेगुलर के साथ ऐड करके पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि किस में आता है, स्पेशल कोर्सेज में आता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग साइड ले चलते हैं, अब समझते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बीएड के सभी हैं, लैंग्वेज है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, नहीं समझ रहा, देख लो हम यहाँ पे चारों है, बीएड चार होते हैं, लैंग्वेज साइंस मैथमेटिक्स एंड ह्यूमैनिटीज सभी है। जो सीटें हैं, बहुत लोगों को डाउट रहता है कि बीएड में कितनी सीटें, ध्यान से सुनो मैं बता रहा हूँ, 31, 16, 16, 32, 15, 15, 28, 14, 14, 34, 17, 17, ठीक है, तो ये पूरी सीटें हैं, मतलब यहाँ पे 1, 2, 3, 31, 16, 16 जो है लैंग्वेज का है, अलग अलग जगहों पे है, जैसे कि ये मेल एंड फीमेल के लिए ऊपर वाला जो 31 है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, लेकिन बीसीडब्ल्यू एएमपीजी में जो 16-16 सीटें हैं ओनली फॉर गर्ल्स है, उसी तरीके से साइंस वाला भी है, ऊपर का 32 सीट जो है वो तो गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए है, लेकिन नीचे का 15-15 सीट जो है बीसीडब्ल्यू और एएमपीजी में ओनली फॉर गर्ल्स है, सेम आगे भी फॉलो हो जाएगा। और ये इनकी फीस जो रखी गई है, ये आपके पास किसकी फीस रखी गई है, ये रेगुलर फी रखी गई है, इस रेगुलर फी के साथ, इस रेगुलर के साथ आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ये प्रोफेशनल कोर्स में आते हो, ठीक है, और प्रोफेशनल कोर्सेज की भी फी ऐड होते हैं, तो ये 30,000 पर एनुअल, ठीक है, ये 30,000, ये 30,000, ये 30,000 आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप बीएड करने जा रहे हो, ठीक है, तो ये फी टोटल, ये वाला भी ऐड करना, ये भी ऐड करना, तब आपकी फीस हो जाएगी एक साल की, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें सुपर न्यूमेरी सीट अभी यूनिवर्सिटी रूल का जुड़ेगा, मतलब समझते हो क्या होता है सुपर न्यूमेरी सीट, सुपर न्यूमेरी सीट मतलब ये जो सीट में बताया आपको 31, 16, 16 इससे ज्यादा है, कोई अगर स्पोर्ट्स कोटा लगा देता है तो वो स्पोर्ट्स कोटा पे सीट ले जाएगा, कोई मतलब इस तरीके का पेड सीट कोई लेता है तो उसकी सीट बढ़ेगी, ये है यहाँ पे सुपर न्यूमेरी सीट में, और भी कई सारे कैटेगरीज होते हैं, कभी मैं डिस्कस करूंगा, पेड का अलग वीडियो ले आऊंगा तो उसमें डिस्कस कर लूंगा। अब यहाँ पे देखो और भी बीएड की स्पेशल एजुकेशन साइंस के बहुत सारे हैं, मैं इसको एक बार बड़ा करके दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोग खुद देख लो, ठीक है, इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, अब देख लो, दिखा ये, प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि जितने भी इसमें बीएड वाले बच्चे हैं वो जान जाओ, 8 8 कितनी सीटें, ये देखो पहले, ठीक है, 8 8 9 9 5 5 11 11 ये रेगुलर फी है, ये आपके पास आपके इस प्रोफेशनल कोर्स की फी है। एमएड यहाँ पे 62 सीटें और स्टार लगी हुई सीट बढ़ेगी, ठीक है, एमएड जो कि कहाँ चलता है, कमाच्छा में चलता है, और बीसीडब्ल्यू में 62 सीट है, एमएड के लिए देखो सीटें कितनी है, और यहाँ पे जो फी है वो 4600 है, 30,200 है, ठीक है, उसी तरीके से एमएड स्पेशल एजुकेशन का यहाँ पे देखो कमाच्छा में ही 15 सीटें हैं, 25 सीटें हैं, पढ़ लेना इसको, एमएड एजुकेशन में कमाच्छा में 25 सीटें हैं, 4600-2800 रुपए लगने हैं लगभग, और ये फी भी आपके पास देना पड़ेगा क्योंकि स्पेशल कोर्स में आता है, यानी प्रोफेशनल कोर्सेज में आता है, ठीक है, और सुपर न्यूमेरी सीट अभी इसमें भी ऐड होगा, ये जो सीटें हैं ये सीटें बढ़ेंगी क्योंकि इसमें सुपर न्यूमेरी सीट अभी बढ़ी नहीं, लगी नहीं है। अब हम लोग आ गए हैं फैकल्टी ऑफ लॉ में जो कोर्सेज चलते हैं, जैसे कि LLB, LLM, ठीक है, अब LLB बच्चों को बहुत डिमांड रहती है कि सर LLB में सीटें कितनी, भाई 300 सीटें प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, यानी कि 300 प्लस सुपर न्यूमेरी सीटें पेड सीटें, ये हो जाएगा लगभग 320-30 के आसपास चला जाएगा, समझ रहे हो, और जो फी है वो मात्र 2582 रुपए है, ये पेड सीट पे एडमिशन होने पे आपके पास 15,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ध्यान देना, ठीक है, 15,000 रुपए तब देना पड़ेगा जबकि सीट जब आपके पास एडमिशन पेड सीट पे होगा, नहीं तो नहीं देना पड़ेगा। LLM 2 साल का अगर आप करते हो तो 47 सीटें हैं, 3,3200 रुपए देना पड़ेगा, और यहाँ पे आपकी जो अगर आपका पेड सीट है तो 30,000, स्पेशल कोर्स में आते हो तो 30,000, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं LLM कोर्स इन ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन, और ये 20 सीटें होती है, 2907 रुपए यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा पेमेंट रहता है। LLM 1 साल का भी होता है जो कि उसी लॉ में ही चलता है, 25 सीटें का एडमिशन होता है, 2907 रुपए, ध्यान देना 2907 रुपए लगेगा, और ये 60 रुपए पर एनम अगर स्पेशल कोर्स में जाता है तब। फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का, ठीक है, देखो भाई
अब यहाँ पे प्लीज जो भी परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो अपने से खुद देख लो, ठीक है, अपने कोर्स को देखो और यहाँ पे उसकी सीट देख लो, 22, 12, 10, 12, 12, 12, ठीक है। फी भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपके पास अगर स्पेशल कोर्स में जाएगा तो ये पैसा देना पड़ेगा, और पेड में जाएगा तो ये पेमेंट देना पड़ेगा। बाकी रेगुलर जो फी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, वही 2582 सबके लिए जो है वो आपके लिए ही बनाई गई है, ठीक है। सितार है, फ्लूट है, तबला है, भरतनाट्यम है, तमाम चीजें हैं, ठीक है। ये बच्चे वो देख लें जो फैकल्टी आप संस्कृत यानी SBDV में पढ़ना चाहते हैं, प्लीज आप एक नजर दौड़ा लो, बहुत ज्यादा सीटें हैं, 62, 62, 62, 62, 35, 35, ठीक है। और ये सभी की सभी ओनली डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस में अवेलेबल है, इनके बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, ठीक है, जैसे आचार्य इन शुक्ला यजुर्वेदा, आचार्य इन कृष्णा यजुर्वेदा, आचार्य इन सामवेदा, आचार्य इन ऋग्वेदा, आचार्य इन, मतलब यहाँ पे बहुत सारे आचार्य होते हैं भाई, और ज्योतिष का भी है, देखो ज्योतिष का भी है, ठीक है, तो ये मीमांसा का भी है, जैन दर्शन का भी है। तो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड है उनकी फी बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 3000 रुपए के आसपास है। बाकी आप अगर पेड सीट पे जाते हो तो 25,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं 2500 ही रखी गई है, देखो आप लोग का तो पेड सीट भी कमी है, 2500 ही रखी गई, 2500, 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
हजार है, ठीक है। ये यूनिक चीज मुझे मिला देखने को आज। अब हम लोग देखेंगे एमए इन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में एमए इन इकोनॉमिक्स जो चलता है, तो एमए इन इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ चलता है, पहले डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस वीसीडब्ल्यू वीकेएम एएमपीजी और डीएवी में चलता है। 96, 37, 37, 37, 37 ये सीटें जितनी दिख रही है इससे ज्यादा है, ध्यान देना। कम से कम 37 वाले में कम से कम 7 सीटें बढ़ा दो और 96 वाले में कम से कम 15 सीटें बढ़ा दो, क्योंकि पेट बढ़ेगा और इस तरीके के जो भी सुपर नंबरी सीटें होते हैं स्पोर्ट्स कोटा वगैरह का बढ़ता है, ठीक है। और जिनकी फी है वही है, मेन कैंपस में रहोगे तो भाई कम लगेगा, 26 रुपए में पढ़ लोगे, नहीं तो वही वीसीडब्ल्यू गए तो 12,200, वीकेएम गए तो 10,600, डीएवी गए तो 6,700, एएमपीजी गए तो 12,800 रुपए, और ये आपके पास पेड और स्पेशल कोर्स का फी रहेगा। एमए हिस्ट्री देखो, सीट देख रहे हो 96, 37, 37, 37, 37 दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस में एएमपीजी वीसीडब्ल्यू डीएवी और वीकेएम में सीटें हैं। पेमेंट उसी तरीके से फॉलो हो रहा है, ठीक है। अगर दिखाई दे रहा है तो आप देख लो, मैं बोल देता हूँ, यानी अगर आप मेन कैंपस में पढ़ोगे तो 2,582 रुपए में काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप एएमपीजी में चले गए तो 12,800 देना पड़ेगा, वीसीडब्ल्यू में चले गए तो 12,200 देना पड़ेगा, डीवी में चले गए तो 6,700 देना पड़ेगा, वीकेएम में चले गए तो 10,600 देना पड़ेगा, और अगर पेड पे एडमिशन हुआ तो पेड पे कितना 15,000 ये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। एमए इन पॉलिटिकल साइंस सेम फॉलो हो रहा है ऊपर की तरह ही, एमए पॉलिटिकल साइंस में भी 96, 37, 37, 37, 37 पेमेंट का रूल सेम फॉलो हो जा रहा है। सोशियोलॉजी में एकदम सेम ऊपर वाला ही फॉलो हो रहा है, एकदम सेम फी भी फॉलो हो रहा है और पेड शीट भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। एमए इन क्या है, स्टडी मैनेजमेंट, अच्छा डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में चलता है ये, और सीटें 45, बहुत कम बच्चे लग रहा है इसको लेते होंगे, और 2,582 रुपए इसमें भी लगना है, और स्पेशल कोर्स में देखो आता है 50 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, लिखा हुआ स्पेशल कोर्स, अगर स्पेशल कोर्स लिख जाएगा तो 50 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। मास्टर इन जेंडर स्टडीज का भी है, यहाँ पे सीटें जो है वो 35 है, 2,582 रुपए आपको देना पड़ेगा, लेकिन स्पेशल कोर्स में आता है 50,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी कब, पर एनम देना पड़ेगा, पीए लिखा हुआ है पर एनम लिखा, अगर पीएस लिखा होगा तो पर सेमेस्टर देना पड़ेगा, लेकिन वहां पर साल में एक बार देना है उसको। एमए इन सोशल वर्क, बहुत सारे बच्चे होंगे ना सोशल वर्क वाले, ध्यान देना स्पेशल कोर्स की बात कर रहा हूँ अब मैं यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल सीटें कितनी है, लगभग 60 सीटें हैं, और फीस कितनी है 2,757, लेकिन ये स्पेशल कोर्स में आता है 30,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इंक्लूडेड ये रेगुलर फी, ठीक है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एंथ्रोपोलॉजी, देखो यहाँ पे ये सीटें तो देनी पड़ेंगी और ये 30,000 रुपए भी देना पड़ेगा, ठीक है। टोटल सीटें कितनी, 37। मास्टर ऑफ क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल, अच्छा MPMIR जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। 60 सीटें लगभग इसमें भी है, यहाँ पे 2,757 देना ही पड़ेगा, और उसके बाद भी ये 60,000 रुपए देना पड़ेगा, वो भी पर एनम, ठीक है, देखो लिखा हुआ है पर एनम, ओके। हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, सीटें 47 है, ये देना पड़ेगा, साथ में ये देना पड़ेगा 15,000 रुपए आपको, ठीक है। एमए इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का है, ठीक है, और इसमें आपकी सीटें हैं वही 69 और ये 2,757 और साथ में 15,000 आपको और देना पड़ेगा। वही सोशल एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव पॉलिसी, ठीक है, ये भी एक यहाँ पे कोर्सेज है, 25 सीटें हैं, इसके साथ ये 15,000 देना पड़ेगा। एमए इन
एनर्जी इकोनॉमिक्स, ओके, यहाँ पे 62 सीटें हैं और इतने के साथ ये 30,000 रुपए पर सेमेस्टर, देख रहे हो, पर सेमेस्टर देना पड़ेगा, यहाँ पीएस लिखा हुआ है, यानी ये 30,000 पर सेमेस्टर देना है, ध्यान देना, पर सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर है टोटल आपके पास, ठीक है। अब आ जाओ एमए इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, अच्छा, जिसको हम लोग बोलते हैं आईआरडीएम, ठीक है, यहाँ पे 40 सीटें हैं, सुपर न्यूमेरी सीट भी ऐड होगा और उसके बाद 30,000 एनुअल देना पड़ेगा 2500 रुपए के साथ। हेरिटेज मैनेजमेंट, ठीक है, यहाँ पे 62 सीटें हैं और ये 20,000 रुपए पर सेमेस्टर देना पड़ेगा, सेमेस्टर देना पड़ेगा और 2582 रुपए रेगुलर का देना पड़ेगा, ठीक है, ओके 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 ओके। अब हम लोग आते हैं कॉमन सब्जेक्ट जो एमए एमएससी दोनों लेके चलता है, ठीक है, होम साइंस पर चलता कहाँ कहाँ है, एक तो चलता है होम साइंस डिपार्टमेंट में, यानी बीएचयू के बड़े वाले गेट के अंदर, एक वीकेएम और वीसीडब्ल्यू में चलता है, ठीक है, जहां पे सीटें मेन कैंपस में 64 है, 26 और 37 आपके पास एफिलेटेड कॉलेजेस में है। यहां पे ये फी रखी गई है, यानी अगर आप मेन कैंपस में पढ़ते हो, डीएमसी में पढ़ते हो, तो मात्र 3,000 रुपए में काम चल जाएगा, 2900 रुपए यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन वही आप एफिलेटेड में जाते हो तो 11,000 और 13,000 रुपए आपको देना पड़ेगा, ठीक है, और वही पेड पे एडमिशन हो गया तो इतना और देना पड़ेगा। और यहाँ पे और भी लिखा हुआ है, मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ, इसमें कोई बहुत फेमस बता दूं मैं आपको, ज्योग्राफी देखो 81 सीटें हैं, ठीक है, वही फी आपके पास लगभग 3,000 रुपए लगना है, और एमए इन ज्योग्राफी जो कि वीसीडब्ल्यू में है वो 37 सीटें हैं और 13,200 लगना है, और बाकी वही साइकोलॉजी वाला देख लो, पहली बात तो ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है, साइकोलॉजी जो है देखो कहाँ कहाँ ऊपर से लेके, यानी यहाँ से देखो एफएमसी में भी अवेलेबल है और बाकी एफिलेटेड में भी अवेलेबल है, 64 सीटें यहाँ है, बाकी 37 है, और फी देख लो वही जो पुराना मॉडल था, मतलब 12,000, 13,000, 11,000, 7,000, मतलब एफिलेटेड में फी बहुत अच्छा लगने वाला है आपका, ठीक है। इसके बाद भी अभी कुछ डिस्कस कर रहा मुझे रह गया, अब बच्चे कुछ पूछेंगे मुझसे एमएफए वगैरह का, ठीक है, तो देखो यहाँ पे एमएफए का जो है सीट कितनी है, 27 और 2882 रुपए लगना है, और ये आपके पास पर सेमेस्टर 50,000 लगना है अगर पेड सीट में जाते हो तो, ठीक है। उसी तरीके से प्लास्टिक आर्ट है, पोल्ट्री है, सेरामिक है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, एग्रीकल्चर के बच्चे जो हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वाले देख लें, ये पूरे कोर्सेज हैं, इनकी जो सीटें हैं वो पूरा मिला के 139 सीटें हैं, जो फी लगनी है वही 4,000 के आसपास, 3500 रुपए के आसपास लग रही है, और ये आपके पास इतना एक्स्ट्रा पैसा लगेगा पर एनुअल, ठीक है। यहाँ पे और भी सीटें हैं एमएससी के, ध्यान दो, ध्यान से देख लो, आपका सीटों की 6-6, 12-12 सीटें करके अरेंज की गई हैं, ये बच्चे बहुत ही फिक्स होते हैं, इसीलिए मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ लो जो जो इस कोर्सेज में आते हैं, ठीक है, जो जो इस कोर्सेज में आते हैं वो अच्छे से पढ़ लो, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कोई तो प्लीज वो मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकता है, इंस्टा आईडी नीट दर्शन, वहां मैं आपको जरूर समझा दूंगा, बता दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ठीक है। और जो फेमस एक दो मैं उसका दिखा देता हूँ आपको, एमबीए एग्री बिजनेस का आप लोग देख लो भाई, कुछ लोग फॉर्म डाले ही होंगे, सीटें जो है वो 10, लगभग 59 सीटें हैं, सीटें बहुत अच्छी खासी हैं, 12,791 रुपए लगना है, ठीक है, और इस किस में आता है, ये स्पेशल कोर्स में आता है, देखो स्पेशल कोर्स में आता है तो साथ में 90,000 देना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं, मतलब ये ऑलरेडी 12,000 है और 1,00,000 रुपए के ऊपर ही आपकी फी है, तो ये इस तरीके से देखो बहुत महंगे महंगे कोर्सेज हैं, हाँ मैं तो प्रीफर नहीं करता, मैं सस्ती वाली पढ़ाई प्रीफर करता हूँ, लेकिन नहीं भाई, आप अगर पैसे हैं, आप महंगी पढ़ाई करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आप ये सब पैसे जाओ बीएचयू के खाते में डालो, और ऐसा ही नहीं कि पैसे से एडमिशन मिल जाएगा, पहले तो आप कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कंपटीशन में आओ, आपका मेरिट में नाम आना चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टा मैसेज कर सकते हैं, मेरा इंस्टा आईडी है निर्दर्शन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, हर महादेव, बहुत सारी शुभकामनाएं, बाय बाय।